गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। सो आज का लुक ये वाला लेके आई हूँ, एंड ये वाला लुक मैंने क्रिएट किया है शॉपी के कुछ प्रोडक्ट के साथ। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है सो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन है उसको भी हिट कर देना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के रिगार्डिंग आप मिस न कर पाए। आप अगर जानना चाहते हो कि किस तरह से मैंने ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया है सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पे ये वाला टोनर अप्लाई कर रही हूँ, जो है गुड वाइब्स का रोज टोनर, एंड शॉपी से मैंने कोई भी टोनर अभी तक नहीं परचेज किया है। सो मैं जब भी करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वाला था मेरे पास, तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस के ऊपर। एंड इसको थोड़ा सा स्किन के अंदर सिंकिंग होने देती हूँ, देन मैं कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर सीरम अप्लाई करती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे लैक्मी का 9 to 5 विटामिन सी वाला सीरम है, ये मैं फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी। तो सीरम मैं अप्लाई कर लेती हूँ फेस के ऊपर। सो गाइज, इस सीरम से आपके जो भी फेस पे डार्क स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशन वगैरह होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी, एंड आपकी स्किन में ग्लो देगा ये वाला सीरम। देन इसको ड्राई होने के बाद 5 मिनट्स के बाद मैं कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। 5 मिनट्स के बाद ये मॉइस्चराइजर मैं अप्लाई कर रही हूँ, निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया है वो मैंने मंगाया है शॉपी से। हॉल वीडियो की थी शॉपी की, बट उसमें कुछ प्रोडक्ट जो है वो मैंने दिखाए नहीं, वो रह गए थे। करेक्टर मंगाया था तो मुझे 3 का सेट आया था, एक ग्रीन था इसमें, तो मुझे पता नहीं वो मैंने कहाँ पे रख दिया है। मैं स्क्रीन पे दे दूँगी आपको कि कितने के मुझे ये पड़े थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर करेक्टर अप्लाई कर लेती हूँ, जो मैंने शॉपी से ऑर्डर किया है। जो भी मेरे फेस पे डार्क स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशन के निशान हैं वो मैं उसको हाइड कर लेती हूँ। तरह का आप देख सकते हैं, और इसका आगे से ब्रश है इस तरह से, अपने डार्क एरिया में लगा लेती हूँ, जहाँ जहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं एंड ब्लैक वाला एरिया है मेरे फेस पे। मैंने एक विदाउट मिरर वाला वीडियो बनाई थी, तो उस पर मैंने ये अप्लाई किया था, बट विदाउट मिरर वहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की है तो प्लीज़ गाइस वो वीडियो चेक कर लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी आपको मज़ा आएगा उस वीडियो में। सो गाइज, ये जो ब्यूटी ब्लेंडर मैं अप्लाई कर रही हूँ ये भी मैंने शॉपी से लिया था 10 रुपीज़ का। सो मैंने हॉल वीडियो ऑलरेडी की हुई है शॉपी की, तो अगर आपने नहीं देखी तो गाइज वो आप चेक कर लो। ये वाला अप्लाई करूंगी जो मैंने ऑर्डर किया था शॉपी से। तो गाइस, यहाँ पे मैंने ये कुछ ज़्यादा ही अप्लाई कर लिया था, मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्लो कर रहा था, मैंने बाद में वीडियो में देखा, बट मैंने ये बिल्डअप कर लिया था थोड़ी टाइम के बाद फाउंडेशन अप्लाई होने के बाद। यहाँ पे मैंने कोई भी फाउंडेशन मंगवाया नहीं था शॉपी से, तो मुझे पता है कि वहाँ पे बिना शेड के आपको कोई भी प्रोडक्ट जो है वो उठा के दे देंगे फाउंडेशन का। सो बेटर है कि आप कोई भी सस्ता सा फाउंडेशन आप ले सकते हो। सो यहाँ पे मैंने L18 का फाउंडेशन ले रही हूँ, जो आपको मिल जाता है इजीली 100 रुपीज़ में। सो गाइज, ये जो फाउंडेशन है ना, ये मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, एंड इसकी कवरेज गाइज काफ़ी अच्छी कवरेज है एज़ कम्पेयर टू 100 रुपीज़, एंड 100 रुपीज़ के अंदर ये आपको काफ़ी ज़्यादा फुल कवरेज टू मीडियम कवरेज आपको दे देता है। आपको वो बिल्डअप करना पड़ता है, अगर आपने ज़्यादा कवरेज आपको चाहिए तो 2 टाइम्स आप इसको अप्लाई कर सकते हो, मीन्स 2 कोट अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर, बट मुझे काफ़ी अच्छी कवरेज मिल गई थी एक ही पंप से। तो मैंने कोई भी कॉन्टोर ऑर्डर नहीं किया था शॉपी से, तो ये लिपस्टिक है तो इसमें एक ब्राउन शेड देखते हैं, तो उसी से हम कॉन्टोर करेंगे अपने फेस पे। सो ये रहा ब्राउन शेड, तो इसको अप्लाई कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो रहा है। वो कंसीलर के लिए ये वाला अप्लाई कर लेते हैं, जो मैंने अगेन शॉपी से ऑर्डर किया था। सो गाइज, ये जो कंसीलर मैं अप्लाई कर रही हूँ ये आपको काफ़ी मीडियम कवरेज देता है, तो आप ये 2 टाइम्स अप्लाई करना चाहते हो 2 टाइम्स अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक ही बार अप्लाई किया है, तो मीडियम कवरेज ही आपको दे देता है, कुछ ज़्यादा हाई कवरेज नहीं है इसकी। सो बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है ये वाला कंसीलर सेट।
नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था शॉपी से ये मार्स का लूज पाउडर, तो इसको अप्लाई कर लेते हैं फेस के ऊपर। इसके साथ आपको इस तरह का पफ मिलता है ताकि इजीली आपके फेस के ऊपर अप्लाई हो सके। नेक्स्ट मैंने शॉपी से ऑर्डर किया था ये वाला पैलेट, ये आईब्रो किट है। सो गाइज ये आईब्रो किट काफ़ी अच्छी है मुझे लगी है, क्योंकि इसमें 3 शेड्स हैं एंड ब्रश भी है, इसमें स्पूली भी साथ में आपको दिया गया है एंड ये आपकी आईब्रोज को काफ़ी अच्छी तरह कवर कर देती है। स्पूली है तो इसी से मैं कॉम कर लेती हूँ। मैंने ऑर्डर किया था ये वाला पैलेट जो अगेन मैंने शॉपी से ऑर्डर किया था, तो काफ़ी अच्छा पैलेट है ये वाला एंड इस तरह के इसके शेड्स हैं। शॉपी से अगेन कोई भी ब्रश मैंने ऑर्डर नहीं किए थे, सो अपने ही मैंने ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो बी ए स्मॉल के हैं ब्रशेस। सो इसके वीडियो भी मैंने डिटेल में डाली हुई है अपने चैनल पे, अगर आपने वो चेक नहीं किए तो यहाँ पे मैं आपको दे दूँगी, वो आप चेक कर लेना। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ये लाइट शेड है वो मैं ले रही हूँ अभी, इसको मैं अपनी पूरी क्रीज पे अप्लाई करूँगी एज ए ट्रांजिशन कलर। सो नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला शेड ले रही हूँ, स्मॉल ब्रश के साथ इसको अप्लाई करूँगी। यहाँ पे इससे थोड़ा सा डार्क शेड ले रही हूँ ये वाला एंड इसी के ऊपर डिपॉजिट करते हुए देन ब्लेंड करूंगी। ये वाला शिमर शेड अप्लाई करूंगी यहाँ पे। यहाँ पे इसमें ब्यूटी का अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर। अपनी आईलैशेस अप्लाई कर रही थी आईज के ऊपर, तो आईलैशेस मैंने अप्लाई कर ली यहाँ पे। मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। जो इसमें रह गया था ब्रश के ऊपर वही मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लेती हूँ। इस मास्क का ये वाला मैंने पैलेट मंगाया था, वाटर लाइन पे मैंने फिल कर लिया व्हाइट कलर से, तो काफी ओपन लग रही है इसमें आईज। सो ब्लश के लिए मैंने अगेन शॉपी से ही ऑर्डर किया था कैंडी का एंड इसके कलर्स गाइस बहुत प्यारे कलर्स हैं इसमें। इसमें आपको कोई भी हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्लिटर्स हैं।
इसके साथ एक ब्रश भी मिलता है, बट उसको मैं अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि वो काफ़ी छोटा है और उससे काफ़ी अच्छी तरह से अप्लाई नहीं होगा एंड काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइस ये देखो। काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइस। कितना अच्छा यहाँ पे ग्लो आ रहा है एंड आपको किसी हाइलाइटर की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर हाइलाइटर आपको अप्लाई करना है तो इस पैलेट में काफ़ी ज़्यादा ग्लिटर्स हैं, सो इसमें से ही मैं कोई ग्लिटर अप्लाई करके अपना हाइलाइटर लगाऊंगी। कर रही हूँ, थोड़ा सा गोल्डन शेड है ये वाला, मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस के ऊपर। ये वाला मैंने लिपस्टिक मंगाई थी 5-in-1 जो मैंने ली थी शॉपी से, सो ये वाले मैं अप्लाई करके देखती हूँ फेस के ऊपर। तो मैंने इसमें न्यूड शेड लिया था, तो देखते हैं कौन सा कलर इसके ऊपर सूट करता है। सो गाइज ये वाला काफ़ी ज़्यादा न्यूड है तो इसके ऊपर लुक नहीं जा रहा है, सो मैं यहाँ पे लिप लाइनर अप्लाई करूँगी जो मैंने मंगवाए थे शॉपी से। सो गाइज ये वाला मैंने शेड अप्लाई कर रही हूँ लिप्स के ऊपर। गाइज ये कलर इस तरह से लग रहा है लिप्स के ऊपर। सो गाइज ये मेरा लुक कंप्लीट है, सो अभी मैं फुल अपने बाल खुल के देन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज ये था मेरा फाइनल लुक। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है एंड आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।